आप लोग कम से कम तालियां बजा दिया करिए, इतना प्रसाद। 7 अगस्त श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति वाराणसी कैराना व्यापार समिति के संयुक्त तत्वाधन में आयोजित राम कटोरा स्थित चिंतामणि बाग में प्रख्यात कथाकार पूज्य सुश्री लक्ष्मी मणि शास्त्री जी ने कथा के दूसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में बताया कि इसके मुख्य वक्ता श्री शशुक देव जी महाराज और श्रोता राज परीक्षित जी थे, जिसे गंगा तट पर सुनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक समाहित थे। इस महापुराण के अधिवक्ता भगवान विष्णु और आदि श्रोता ब्रह्मा जी हैं। पावन ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 11वां मन कुल एकादश, इनको एकाग्र कर भागवत कथा सुने और भगवान के सभी अंगों के दर्शन से क्या लाभ होना है ये भी बताया। कथा का दूसरा दिन है आज, और सबसे यही कहेंगे कि अधिक से अधिक इस कथा रसमान का ज्ञान कर गंगा को अपना जो भी सब ले सकते ले लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। साल में 3 साल के बाद ऐसा पर्व आया है, और सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके कथा का ज्ञान गंगा को जितना समेट सकते समेट लेंगे। समाज के लोग भी जुटे हुए हैं, सारे समाज के लोग व्यक्ति आ भी रहे हैं, बैठ के कथा का रसमान भी कर रहे हैं।